हेलो फ्रेंड्स, मैं सस्मिता आज आप सबके लिए एक चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए। ये चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स, जो कि आप कोई भी फ्लेवर के ले सकते हो, चाहे वो ओरियो ओरिजिनल हो या चॉकलेट हो या स्ट्रॉबेरी हो। ये केक बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। मैंने इसके 24 पीसेस लिए हैं और इसको क्रीम के साथ ही लिया है। कप हल्का गरम दूध लिया है, 1 टीस्पून चीनी लिया है और 1 इनो पाउच लिया है। एक अल्मीनियम पतीले को गैस पर लो फ्लेम में बिठा देंगे और उसके अंदर नमक को स्प्रेड कर देंगे। अब इसके अंदर एक स्टैंड को रख देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब बैटर बना लेते हैं। एक मिक्सी जार में पहले चीनी डालेंगे। अब ओरियो बिस्किट्स को छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। मैंने पाउडर बना लिया है। कभी कभी मिक्सी में पाउडर बनाते टाइम उसमें छोटे छोटे पीस छूट जाते हैं। छूटे हुए वही छोटे छोटे पीसेस को उंगली से मसल के उसको पाउडर बना लेंगे, नहीं तो वो केक में जाके गुठली जैसे रह जाएंगे। अब इसमें दूध को डालेंगे और स्पून से इसको मिक्स करेंगे। एक बार में सारा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते चलें। ये बैटर बनाने के लिए हमें 147 ml गरम दूध लगे हैं। बैटर हमारा बन चुका है, हमें इतनी ही पतली बैटर चाहिए। अभी हम बैटर को ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन निकाल लेंगे और थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेंगे। एक 6 इंच के केक टिन को मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल लगा के ग्रीस करके रख दिया है। बैटर में अभी हम 1 पाउच इनो डालेंगे और तुरंत ही एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा फूलने लगा है, अब इसको हम केक टिन में फोर कर लेंगे। अब केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। केक टिन को जो पतीला 10 मिनट के लिए गर्म हो रहा था उसके अंदर लेके रखेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। अब पतीले के ऊपर कुछ भी भारी सा एक चीज़ रख दीजिए, ताकि साइड से उसका स्टीम ना निकल सके। 35 मिनट बाद
चलिए ढक्कन निकाल के देख लेते हैं हमारा केक बना है कि नहीं बना है। केक साइड छोड़ चुका है, लग रहा है कि केक हो गया है। अब देखते हैं, ये देखिए ये पूरा क्लीन आया है, इसका मतलब केक हमारा हो गया है। अब केक को पतीले से निकाल लें और एक कॉटन का कपड़ा लगा के उसको ढक के ठंडा होने के लिए छोड़ दें। केक ठंडा हो चुका है, अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। केक हमारा बहुत स्पंजी बना है, ये लीजिए देखिए। मैंने एक बर्तन में एक कप क्रीम लिया है और उसमें वनीला एसेंस 4 से 5 ड्रॉप डाल के इसको बीट कर लिया है। चॉकलेट केक में चाहे तो आप वनीला एसेंस दे, चाहे तो चॉकलेट एसेंस दे। अब केक को 2 लेयर्स में कट कर लेते हैं। केक हमारा बहुत सॉफ्ट बना है, इसलिए अगर इसको हम हाथ से उठाएंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए हम एक केक बोर्ड में इसको ऐसे ही उठा लेंगे। एक बॉटल में पानी और वैनिला एसेंस डाल के मैं मिक्स कर दी हूँ। मैंने इसमें शुगर नहीं डाला क्योंकि केक बैटर में मैं 1 टीस्पून शुगर पहले से ही दे दी थी। केक के ऊपर अच्छे से ये एसेंस वाटर को डालें। एक पाइपिंग बैग में नोजल लगाकर क्रीम को भर लें। अब वो क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर लें। एक स्पैचुला से इसको प्लेन कर लें। अब क्रीम के ऊपर दूसरी लेयर डाल दें। ये लेयर के ऊपर भी पानी अच्छे से स्प्रेड करें। अब इसके ऊपर भी क्रीम डालें।
अब स्पैचुला से क्रीम को प्लेन करेंगे। पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करते करते केक के टॉप पोर्शन को प्लेन करें। केक साइड को आगे पीछे करते हुए क्रीम को इसमें स्प्रेड करें और प्लेन करें। आइसिंग करते टाइम स्पैचुला को हमेशा साफ रखें। अभी केक को 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। एक बाउल में मैंने 50 ml लो फैट क्रीम लिया है और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। क्रीम को मैंने गर्म कर लिया है, अब इसमें चॉकलेट को डालूंगी। क्रीम गर्म है इसलिए चॉकलेट को उसमें डालने से वो मेल्ट हो जाएगा। इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे सारे चॉकलेट इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, अब ये मिक्सर को एक छन्नी से अच्छे से छान लें ताकि अगर इसके अंदर कुछ भी गुठली हो तो ये छन्नी में रह जाए। टीस्पून ग्लेजिंग जेल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून से। अब ये ग्लेजिंग जेल को हम चॉकलेट के मिक्सर में ऐड कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 घंटे बाद केक को फ्रीजर से निकाल लें। केक हमारा ठंडा है और चॉकलेट का मिक्सर हल्का सा गर्म है। अब इसको राउंड राउंड करके चॉकलेट के मिक्सर को केक के ऊपर डालें। चॉकलेट का मिक्सर नीचे बहना बंद हो जाएगा तब इसको निकाल के ले आएं। अब हम इसके साइड में डार्क एंड व्हाइट चोको चिप से इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, बाएं हाथ से ये केक को रखेंगे और दाएं हाथ से इसको ऐसे दबाते हुए केक में लगाएंगे। चोको चिप्स हमारा लग चुका है, अब हम ऊपर को डेकोरेट करेंगे कुछ चॉकलेट के कर्ल से जो मैंने बनाए हैं। अब इसको इसके ऊपर रख देते हैं। आप अपने मर्जी से कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही प्लेन छोड़ सकते हो। लीजिए, आपका ओरियो चॉकलेट केक बनके तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप इसको ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू।